पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भारत ने 23 साल पहले उसे बिजनेस में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की दरिया दिली की कीमत आतंक फैला कर चुकाई। तो पुलवामा कांड के साए में भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया। इसके साए में पाकिस्तान को इतना नुकसान होने वाला है कि कंगाल पाकिस्तान और बेहाल हो जाएगा। न पाकिस्तान के मेवे को कोई पूछेगा, न उसके सेंधा नमक को, न उसके खाद को और न सीमेंट को, क्योंकि इन चीजों को सबसे ज्यादा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान से लेता था। और हिंदुस्तान ने साफ कर दिया कि आतंकिस्तान को वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं देगा। तो साफ है कि गधा बेचकर रोजी रोटी चलाने वाला पाकिस्तान अब पाई पाई के लिए मोहताज होगा। द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस इट हैड बीन ग्रांटेड टू पाकिस्तान स्टैंड्स विथड्रॉन। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स will issue the necessary communications in this regard. सरकार ने अपना काम किया तो किसान भी अपना काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ के किसानों ने तय किया है कि वो अपना टमाटर पाकिस्तान को नहीं भेजेंगे। हमारे मन में तो यही पीड़ा है कि जो हमारे 40 जवान आज शहीद हुए हैं, हम किसान हैं, हम टमाटर अन्न पैदा करते हैं, जो टमाटर हम पाकिस्तान को भेजते हैं वो पाकिस्तान वही टमाटर खा के हमारे जवानों को, नौजवानों को जो मार रहे हैं, यही हम तो हमारे गांव से एक एक जो यंग लड़का है ये चाहते हैं। अगर ये कोई हमको भर्ती करता है तो हम अपने छाती पे बम बांधकर और सारे पाकिस्तान में कूद के और पूरे पाकिस्तान को सफाया करना चाहते हैं। अब टमाटर आप पाकिस्तान को नहीं भेजेंगे? टमाटर हम पाकिस्तान को भेजेंगे और न किसी को भेजने देंगे। झाबुआ में करीब 5,000 किसान अपने बेहतरीन टमाटर पाकिस्तान भेजते हैं, जिससे उनको अच्छी कमाई भी होती है, लेकिन कमाई ही नहीं, वो पाकिस्तान को मजा चखाना चाहते हैं। इस पहल से मुख्यमंत्री कमलनाथ गदगद हैं और किसान खुश। हमको रेट से कोई लेना देना नहीं, पैसे को क्या करेगा? जब घर में कोई जवान ही नहीं रहेगा तो पैसे को खाएगा आदमी, क्या करे पैसे को? वही होशंगाबाद के किसानों ने तय किया है कि पाकिस्तान से आने वाले मेवे और खजूर अब उनको नहीं चाहिए। इससे पाकिस्तान को सालाना 60 करोड़ रुपए मिल जाते थे, लेकिन अब पहले से ही बेहाल पाकिस्तान और तरसेगा। उसे जो खारक आती है हम उसका बिल्कुल बहिष्कार करते हैं और जितनी हमारे पास है हम सब फेंक देंगे, पर बेचेंगे नहीं। देश के हित में हम समस्त व्यापारी साथ हैं और हम लोगों को इतना भी नुकसान हो जाए पर पाकिस्तान का जो भी मेवा आता है उसमें हम हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेंगे। अब भारत से होने वाले पाकिस्तान के फायदे को देख लीजिए। 2017-18 में भारत से पाकिस्तान को करीब 3500 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। अभी तो पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसको आटे दाल का भाव मालूम चल जाएगा। आज तक ब्यूरो जून में